नमस्कार। आपको एक कहानी काफ़ी समय से बताना चाह रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। कहानी बताने से पहले दो लाइन जरूर बोलूँगा। जिंदगी में ऐसे बनी है जहाँ आप पहुँच ना सकें वहाँ आपकी बात हो, जहाँ आप पहुँच ना सकें वहाँ आपकी बात हो, और जहाँ आप पहुँचने वाले हो वहाँ आपका इंतज़ार हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ कहानी को रिलेट करते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, महात्मा बुद्ध अपने एक शिष्य आनंद के साथ घूमने निकलते हैं। उन्हें पता है जहाँ उन्हें जाना है वो काफ़ी दूर है, तो वो उसी समय से जिस समय से वो निर्णय लेते हैं घूमने का, चलना शुरू कर देते हैं। और चलते रहते हैं। काफ़ी समय चलने के बाद उन्हें काफ़ी दूर जंगल में जाने के पश्चात उन्हें एक व्यक्ति मिलता है। प्रथम व्यक्ति जो मिलता है उनसे जब वो पूछते हैं कि फलाना गांव कितनी दूर है, तो वो व्यक्ति जवाब देता है, बस आप आ ही चुके हैं, 2 किलोमीटर दूर यहाँ से दूर वो गांव है। और फिर महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और फिर जब आनंद भी उनके संग, उनका शिष्य जो आनंद होता है वो भी चल रहा होता है। और काफ़ी समय चलने के बाद रात होने लगती है और महात्मा बुद्ध ही निर्णय लेते हैं कि अब हमें सो जाना चाहिए, एक दिन की यात्रा उनकी समाप्त हो जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह जब वो चलना शुरू करते हैं, दिन का वक्त आता है, दिन दोपहर में एक बुढ़िया माता उनको मिलती है और वो उनसे पूछते हैं कि आने वाला जो वो गाँव है वो कितनी दूर है। तो फिर वो बुढ़िया अम्मा जो होती हैं वो जवाब देती हैं कि बस आप आ ही तो गए हो, 2 किलोमीटर दूर है, बस आप आ ही तो गए हो, 2 किलोमीटर दूर है। तो महात्मा बुद्ध फिर मुस्कुराते हैं और फिर अपने शिष्य आनंद के साथ चलना शुरू करते हैं। फिर आज नेक्स्ट दूसरे दिन भी उनको रात होने वाली होती है और आनंद इस समय बहुत चिढ़ बैठा होता है, जो उनका शिष्य होता है वो बहुत चिढ़ जाता है, कहता है मुझसे तो अब चला भी नहीं जाएगा, मुझसे तो अब चला भी नहीं जाएगा, और जिससे भी मैं पूछता हूँ वो यही कह रहा है कि 2 किलोमीटर दूर है, बस अब आने ही वाला है, बस अब आने ही वाला है। और आज हम 2 दिन से चलते चलते दोबारा हमें सुबह से शाम हो गई है लेकिन गांव नहीं आया। तो महात्मा बुद्ध उसकी परेशानी की वजह जानते थे और वो मुस्कुराते हैं और उसके इस बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर एक जब आनंद बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इन चीज़ों से और वो चलने को भी अब तैयार नहीं था शायद, तब महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं कि इस बड़े पेड़ के नीचे फिर आज एक डेरा लगाते हैं और आज मैं सारे सवालों का उत्तर यहीं करूँगा आपके। तो फिर वो जब डेरा लगाते हैं और शाम को सो रहे होते हैं तो तब आनंद उनका शिष्य महात्मा बुद्ध से पूछता है कि भगवान सब तो ये कहते हैं कि पहला व्यक्ति आपको मिला उसने कहा कि 2 किलोमीटर दूर है, बस आने वाला है, बुढ़िया आमा आपको मिली उनने भी यही कहा कि 2 किलोमीटर दूर है बस आने वाला, लेकिन वो गांव आया नहीं। तो महात्मा बुद्ध से जब वो बात कर रहा था तो महात्मा बुद्ध मुस्कुरा रहे थे, तो अंत बोलता है कि आपकी इसी मुस्कुराहट से मैं ज़्यादा परेशान हूँ, आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं और उस समय भी मुस्कुरा रहे थे। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं शायद तुम भूल गए होगे लेकिन मैं इस जगह पर काफ़ी बार आया हूँ और मुझे पता था कि ये 2 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से लगभग। और वो मुझको देख के मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वो मुझे एक हौसला बता रहे थे, वो मुझे एक आशा दे रहे थे कि बस आने वाला है, कि मैं चल सकूँ। जब मैंने दूसरी बार दूसरी उनसे पूछा, बुढ़िया आमा से पूछा, तो उनने भी मुझे एक हौसला दिया कि बस आने ही वाला है, 2 किलोमीटर दूर है, और मैं तब भी मुस्कुरा रहा था। अब मेरी तुम्हारी परेशानी ये थी कि ये मुस्कुरा रहे हैं लेकिन वो गांव नहीं आ रहे, तो हमारा चलना ज़रूरी था, गिर कर रुक कर एक जगह ठहर जाना से मंजिल नहीं मिलती, मंजिल को पाने के लिए चलना ज़रूरी होती है, चलना ज़रूरी होता है। तो कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन ये बयां करती है कि हमें दुनिया में 2 तरह के आदमी मिलते हैं, एक तो डीमोटिवेट करने वाले आदमी होते हैं जो आप ये कहते हैं कि नहीं भाई 10 किलोमीटर दूर है, तुम्हारे बस की नहीं है,
तुम्हारे बस की नहीं है वहां तक पहुंच पाना, तुम नहीं कर पाओगे। और दूसरा व्यक्ति ये होता है, वो कहता है बस थोड़ा और आने ही वाला है, बस थोड़ा और आने ही वाला है। देखो उस शब्दों में कुछ भी नहीं था, लेकिन उस बस थोड़ा और आने वाले के चक्कर में हमने आधी दूरी तय कर ली और अब हम बस पहुंचने वाले हैं। तो इन्हीं जब हमें ये सब चीज पता चलती है कि हमें चुनना क्या होता है, किस तरह की व्यक्तियों को हमने चुनना होता है, किस तरह के व्यक्तियों को हमें जिंदगी में शामिल करना होता है, क्या हमें उनसे संपर्क साधना चाहिए जो ये कहते हैं जो हमें डिमोटिवेट करते हैं, क्या हमें उनसे संपर्क रखना चाहिए जो हमें मोटिवेट करते हैं कि आप कर लोगे, ये हमारा फैसला होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहानी समाप्त करता हूँ। होप करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आई होगी और आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल पे को यूँ ही लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।